गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. हॅलो फ्रेंड्स, इंडिया 365 लाइव में आप सभी का स्वागत है. आज हम उपस्थित है जलगांव की जानी मानी काव्य रत्नावली चौराहे पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि भवरलाल एंड कांताबाई जैन फाउंडेशन जलगांव, अर्थात जैन इरिगेशन कांताई नेत्रालय, इन सभी की ओर से संयुक्त रूप से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर किस तरह से सुंदर सजावट की गई है. ये एक परंपरा सी रही है भवरलाल एंड कांताबाई जैन फाउंडेशन की कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो शहर के इस सबसे मुख्य चौराहे पर, जहाँ पर दिन और रात हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है, विशेष रूप से शाम में काव्य रत्नावली चौक का नज़ारा देखने लायक होता है. हम देख रहे हैं इस सर्कल पर, इस सेंटर पर बहुत प्यारे स्लोगन लिखे गए हैं. अच्छा संदेश, एक भावनिक, भाई और बहन का एक भावनिक नाता होता है, उसी तरह का सुंदर संदेश दिया गया है. एक धागा असतो तसा नाजूक आणि कोमल संवेदना जपणाऱ्या नात्याचा खास परिमल, बहीण भावाच्या नात्याची पवित्र असते प्रीती, नात्यातच असते खरी रीती, नात्यातच असते खरी रीती आणि आपली संस्कृती. चारों दिशाओं में बॅनर लगाए है, बॅनर्स के कॉलम बनाए गए हैं. आने वाले जाने वाले सैकड़ों राहगीर जलगाववासी, और इतना ही नहीं, जलगांव के बाहर से आने वाले सभी अतिथिगण, सभी गेस्ट भी इस सुंदर नज़ारे को देख रहे हैं. हर किसी के मन में अपने भाई या बहन के लिए कोमल, निर्मल, पवित्र और निस्वार्थ भावनाएं जाग रही है. इसे देखकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है जैन फार्म फ्रेश, जैन फार्म फ्रेश फूड्स लिमिटेड. मस्त सभी मक्त तुमसे पाक कौशल्य. एक मुद्दा आपसे शेयर करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में मिष्ठान मिठाइयों का बहुत बड़ा महत्व रहा है. सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक पोस्ट हमने पढ़ी होगी कि जिस तरह से हिंदुस्तान में दूध, दही, माखन, उसके बाद रबड़ी, बासुंदी, इस तरह की कई सारी अच्छी प्यारी सी स्वादिष्ट और ढेर सारी मिठाइयाँ होती है, लेकिन आजकल एक क्रेज आ गया है. क्रेज इस तरह से आया है कि हम आर्टिफिशियल चॉकलेट्स खाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं, प्यार भरी शुरुआत करते हैं. तो ठीक है, जिसकी उसकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, जिनमें मिठास तो हो लेकिन शक्कर का प्रमाण बहुत कम हो, दुग्धजन्य पदार्थ और उत्पाद हो, जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपने प्यार को, अपने स्नेह को व्यक्त करें अपने भाई से, अपनी बहन से. तो आज रक्षाबंधन के अवसर पर एक अच्छा मुद्दा सामने आया है. बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो ढेर सारी मार्केटिंग करती है, चॉकलेट्स खाए, चॉकलेट बांटे, तरह से जैन स्पोर्ट्स अकेडमी, अनुभूति स्कूल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस शानदार सजावट में. समस्त जलगांव वासियों की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं इस चौराहे को, इस चौक को रक्षाबंधन के अवसर पर इतना शानदार ढंग से, इतने प्यार भरे अंदाज से सुशोभित किया गया है. आने जाने वालों का आकर्षण का केंद्र बना है ये चौराहा. किस तरह से देखिए, नवयुवक भी खुश दिखाई दे रहे हैं. इंडिया 365 लाइव के लिए अयाज मोहसिन जलगांव से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, न्यूज़ शेयर करें, अपनों तक पहुंचाएं इस प्यार भरी न्यूज़ को.